हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ वंडर शेफ कंपनी के ओर से आने वाला वंडर शेफ वेजिटेबल चॉपर वर्सेस बटरफ्लाई कंपनी के ओर से आने वाला बटरफ्लाई वेजिटेबल चॉपर। तो कंपैरिजन में हम देखेंगे डिज़ाइन, लुक और क्वालिटी और ब्लेड की क्वालिटी कौन सा वाला बेहतरीन है, कौन सा वाला आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा वाला नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शो करने वाला हूँ। तो आपका बजट आ रहा हूँ 150 रुपीज़ से लेकर 250 रुपीज़ के बीच में। तो ये वंडर शेफ वाला मैंने परचेस किया था 199 रुपीज़ में। अमेजन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम ये कोई 250-300 का सेल कर रहा है। जो सेलर से मैंने परचेस इसका उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बटरफ्लाई वाला मैंने परचेस किया था 249 का अमेजोन पे। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, जो सेलर से मैंने परचेस किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। तो सबसे पहले मैं डिजाइन शो कर देता हूँ। तो ये वाला थोड़ा सा स्मॉल डिजाइन है एज कम्पेयर टू ये वाले से। क्वालिटी की बात करें, ओवर पूरा प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ, प्लास्टिक मटेरियल बहुत ही प्रीमियम और अच्छा क्वालिटी का है। इधर आपको जो कि इसका खींचने का देखने को मिल जाता है। इसके ढक्कन की बात करें तो आपको कुछ इस टाइप का आपको ओवरऑल ढक्कन देखने को मिल जाएगा। तो इसे मैं ओपन करके शो कर देता हूँ। कुछ इस टाइप का आपको इसका कैप देखने को मिलेगा। कैप की क्वालिटी भी बहुत ही प्रीमियम और ग्लॉसी फिनिश आती है। ये पूरा आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 3 ब्लेड्स दिए गए, स्टेनलेस स्टील ब्लेड पूरे के पूरे दिए गए। कॉम्पैक्ट साइज है, स्मॉल साइज है, एक टाइम पे आप 3 से 4 ऑनियन इसके अंदर चॉप कर सकते हो। अब इसकी बात कर लेते हैं, बटरफ्लाई कंपनी का आता है। कुछ इस टाइप का इसका डिजाइन दिया गया, कैप कुछ इस टाइप का। इधर आपको रबड़ देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा टाइट सील वगैरह हो जाता है जब भी ढक्कन बंद करते हो। तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी ब्लेड्स आपको कम से कम 5 ब्लेड देखने को मिल जाते हैं। और इसके अंदर आप एक टाइम पे 9-10 ऑनियन चॉप कर सकते हो। चॉपिंग की बात करें, बहुत ही सिंपल है चॉप करना इसे। और इधर आप देख सकते हो ये ऑनियन है, ऑनियन को आप पूरा का पूरा डाल के चॉप नहीं कर पाओगे। दोनों के अंदर आपको एटलीस्ट 4 से 5 पीस में डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद में आपको चॉप करना है। इतने साइज के आप ऑनियन इसके अंदर 8-9 ऑनियन, इससे ज्यादा ऑनियन चॉप कर सकते हो। इसके अंदर 4 से 5 ऑनियन चॉप कर सकते हो। साइज पर भी डिपेंड करता है, बड़े साइज के ऑनियन रहेंगे तो 2 या 3 होंगे, और भी छोटे साइज के रहेंगे मे बी 12-13 ऑनियन चॉप हो जाएंगे। पूरा ट्रांसपेरेंट दिया गया ये पूरा, जो कि प्लास्टिक मटेरियल ये भी बहुत ही प्रीमियम और अच्छा है। नीचे साइड में आपको ग्रिप का देखने को मिल जाता है, कोई भी सरफेस पर रखोगे तो स्लिप नहीं होगा। इधर भी आपको रबड़ का ग्रिप देखने को मिल जाता है, कोई भी सरफेस पर रखोगे तो ये भी स्लिप नहीं होएगा। अब इससे टाइम का बहुत ज्यादा बचत होता है। जैसे कि आप हाथ से वही काम कर रहे हो, 10-15 मिनट लग रहा है, वही चीज आपको 2-3 मिनट में आपका चॉपिंग वगैरह हो जाएगा। अब चॉपिंग की बात करें, दोनों के अंदर आप है ना, कैरेट हो गया, सलाड हो गया, कोई भी मतलब शिमला मिर्च हो गई, या फिर टमाटो हो गया, या फिर पटेटो हो गया, या फिर ऑनियन हो गया, सारी चीजें आप चॉप कर सकते हो। फ्रूट में भी ऑलमोस्ट सारी चीजें चॉप कर सकते हो, जैसे हार्ड फ्रूट हो गया, ऑनियन सॉरी गन्ना हो गया, जैसे सुगर केन हो गया, ये सारी चीजें आप इनके अंदर चॉप नहीं कर पाओगे। तो सुगर केन के अलावा बाकी ऑलमोस्ट सारी फ्रूट आप चॉप कर सकते हो। जैसे ऑलरेडी मैंने इनके थ्रू चॉप किए हुए कुछ चीज, जैसे आप देख सकते हो ये वाला मैंने इसके थ्रू चॉप किया था, और ये वाला मैंने जो कि इसके थ्रू चॉप किया था। सो दोनों का आप देख सकते हो जो कि ऑलमोस्ट पूरे के पूरे एकदम बारीक चॉप हो गए। ये लास्ट जो कि इतना आपका चॉप है, इससे ज्यादा चॉप नहीं होगा, एकदम बारीक जो कि जूस वगैरह निकालना रहेगा, तो इसके लिए तो आपको मिक्सर को ही यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्हें चॉपर कहा जाता है, जो इतना आप चॉप कर सकते हो, जिससे कि सैंडविच वगैरह बना रहे हो, कुछ भी चीज बना रहे हो, और जैसे पाव भाजी की सब्जी बना रहे हो, तो आपको बारीक चॉप करना है बटाना वगैरह को, तो इसके थ्रू आप एकदम इजिली चॉप कर सकते हो। सो दोनों की क्वालिटी प्रीमियम और अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, दोनों में से कौन सा वाला परचेस करना चाहिए। तो आपको ज्यादा मेंबर है फैमिली में, एक टाइम पे आपको ज्यादा ऑनियन वगैरह चॉप करना पड़ता है, तो आप है ना ये वाला बड़ा वाला परचेस कर सकते हैं। इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा है, और आपका जो कि बजट भी कम है, और आपको एक टाइम पे ज्यादा ऑनियन वगैरह भी चॉप नहीं करना पड़ता, 3-4 या 5 ही चॉप करना पड़ता है, तो आप ये वाली की ओर जा सकते हो। रिमूव करना भी बहुत ही सिंपल है, इस तरह आप कोई भी कुछ भी चीज रिमूव कर रहे हो तो वो इजी तरीके से रिमूव कर सकते हो। इसके बेनिफिट ये है कि वो ये नॉन इलेक्ट्रिसिटी से चलते, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं करते। कहीं भी आप रख के चॉप कर सकते हो। आपको जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले भी आते हैं, पर वो वाले यूज करने से मतलब नहीं, ये वाला आपका हैंड प्रेशर से, मतलब नॉर्मल प्रेशर ही लगाना है आपका, जो कि एकदम बारीक चॉप हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट दोनों के बारे में सभी चीज डिटेल में बता दिए, कुछ भी चीज में भूल गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बटरफ्लाई वाला मैंने परचेस किया था 249 का अमेजोन पे। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, जो सेलर से मैंने परचेस किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और ये वाला मैंने परचेस किया था 149 का, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, जो सेलर से मैंने परचेस किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। और ये वीडियो आप 2022 या फिर 2023 में देख रहे हो, तो 6 मंथ में हमारे इस टाइप के चॉपर अपडेट होते रहते हैं, जो लेटेस्ट वाले रहेंगे उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाते थे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।